अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बठिंडा रेंज के IGMF फारूकी की अगुवाई में बठिंडा और आसपास के इलाकों में चल रही नशों की तस्करी और आपराधिक मामलों को लेकर हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की पुलिस की ओर से मीटिंग की गई, जिसमें एक दूसरी स्टेट से भगोड़ा नशा तस्करों और आपराधिक मामलों को सुलझाने के लिए यह मीटिंग की गई, जिसमें तीनों राज्यों की पुलिस की ओर से आपसी तालमेल और जानकारी साझा करने की भरोसा दिया। आपको बता दें, आने वाले दिनों में लोकसभा इलेक्शनों का विगुल बज चुके हैं, जिसमें बड़ी पत्थर नशा तस्करी होने की आशंका जताई जा रही है, जिसको रोकने के लिए तीनों राज्यों को पुलिस सतर्क हो चुकी है, जिसके चलते आपसी तालमेल बनाया जा रहा है ताकि आसानी से काबू पाया जा सके और अमन अमान से इलेक्शन करवाए जा सके। देखो, आज पंजाबी करा हिंदी करा? अच्छा, आज दी जड़ी मीटिंग सीगी, इंटर स्टेट मीटिंग कॉल की गई सी, ये अपनी सीरीज विच तीजी मीटिंग हैगी। उस तो पहला राजस्थान ने हनुमानगढ़ च कीता सी, उस तो पहला सिरसा हिसार च हुई सी मीटिंग। ये इंटर स्टेट मीटिंग इस करके की जाती है ताकि आपसी सहयोग होवे, जिहड़े क्रिमिनल्स अक्रॉस द स्टेट मूव कर रहे ने या जिहड़े प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ने या होर क्रिमिनल या असमाजिक तत्व हैगे, उन्हां दे खिलाफ जिहड़ी हैगी इफेक्टिव कार्रवाई होवे ते कोआर्डिनेटेड कार्रवाई होवे। इहनूं इंश्योर करन लई अज आपां इत्थे इकट्ठे होए। इहदे विच जिहड़े इशूज डिस्कस होए ने ओह ड्रग स्मगलिंग भी हैगी, लिकर स्मगलिंग भी हैगी, जिहड़े POs अक्रॉस द बॉर्डर रहिंदे ने एक दूजे दे, उहनां दे बारे भी गल होई है। तो ये अज कोआर्डिनेटेड एफर्ट किया होया। ये IG राजस्थान मिस्टर मीना, तो IG हिसार मिस्टर डेलो, तो IG फिरोजपुर मिस्टर छीना, तो उन्होंने नाल जे डिस्ट्रिक्ट पेंदे है उन्होंने SP साहबान भी इतने आए हैं, जिन्होंने साढ़े बॉर्डर लगते हैं, तो उन्होंने एक काफ़ी डिटेल्ड विचार वटांदरा किया गया। तो नाले एक स्ट्रेटेजी डिवाइस की गई कि आप जे क्रिमिनल्स है इन्हों कंट्रोल करने लिए किस तरीके कामयाब करना है, तो नाले लोग सभा इलेक्शन जे आ रहे हैं उन्होंने देखते हुए जे अगर कोई होर एक्टिविटी हैगी कंट्रोल करने लिए किस तरीके इंटर स्टेट सीलिंग प्लान जोड़ा है वो आप डिस्कस किया हुआ। तो ये लगातार जोड़े हर 3 महीने बाद होंगी हैगी। सा भी रेजोल्यूशन से कि आपू 3 महीने बाद दोबारा फिर कंडक्ट करा ताकि साढ़ा रिव्यू रवे। जिहड़े रेजोल्यूशन अज लै गए, जिहड़े डिस्कशन वाले पॉइंट सीगे, वो सारे इनफॉर्मेशन आप एक्सचेंज भी की हुई है सारे नाल, ते इहदा जिहड़ा हैगा ये फॉलोअप लगातार किया जाता रहे, इहदे बारे भी डिस्कशन होया हैगा। इहदे अलावा जिहड़े लोकल SHOs ने, जिहड़े सब डिविजनल ऑफिसर्स ने, उहनां दे नाल भी मीटिंग मंथली मीटिंग इंश्योर कराई जाए, इहदे बारे भी अज डिस्कशन होया हैगा। तो मैं समझदा अज जिहड़ा डिस्कशन होया है बहुत पॉजिटिव है, तो आने वाले समय से आप जिहड़े भी क्रिमिनल इस एरिए काम कर रहे होंगे, जिहड़े अक्रॉस द बॉर्डर काम करते हैं, उन्होंने आप कंट्रोल करांगे, उन्होंने कार्रवाई करांगे, तो आप इस इफेक्टिव जिहड़ा कोआर्डिनेशन है उसके नाल एक बेहतर समाज, एक सुरक्षित समाज डेवलप करांगे। देखो, जी चोन कमिशन की हदायत है वो सारे है इन बिन पालना कर रहे है। ये अलावा जोड़ा कोआर्डीनेशन है दैट इज ऑलसो मस्ट बिकॉज दोनों स्टेट्स इलेक्शन होने है, उन्होंने देखते दे हुए ये सारे पॉइंट आप डिस्कस किए हैं। तो चुनाव चोन कमिशन की जी भी इंस्ट्रक्शन है इन बिन पालना की जाऊ। देखो, ये इंटर स्टेट इशू नहीं है जिहड़ा मैं थोनू आज दस्या, इंटर स्टेट इशू नहीं है। जिहड़े भी डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड है इशूज के वेपन जमा करने चाहिए भाई, या बाकी दूजी होर इलेक्शन कमीशन दे इंस्ट्रक्शन हैगे, ओदी च एम एन पालना SSP साहबान करवा रहे ने। रिकवरीज हुई है उदो अलावा साडे आज डिस्कशन होया है कि जिहड़े अक्रॉस द बॉर्डर स्मगलर रह रहे हैं जिन्हां दे खिलाफ साडे परचा दर्ज होया होवे उन्हां दे खिलाफ भी इफेक्टिव कार्रवाई होगी, जिन्हां दी जानकारी आपां अज उन्हां दे नाल सांझी कीती है। सारे
51 ਤੋਂ 52 ਨਾਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 35 ਨਾਕੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਨਾਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਜੋ ਵੀ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਵ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਕੋ ਲੇਕਰ देखिए, हमारा भी गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो ऊपर का हिस्सा है, जो पंजाब से लगता है, उसी समस्या से ग्रसित है जिससे कि पंजाब का एरिया है वो ग्रसित है। नशा के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसमें से राजस्थान का रूट है बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ये हम जानते हैं। मंदसौर का एरिया है, चित्तौड़ का, राजस्थान का एरिया, एमपी का जो एरिया है, वहाँ से ओपी हस जिसको डोडा बोलते हैं वो आता है, ओपीएम आती है। इसके अलावा जो ड्रग्स हैं, ओपियोइड्स सिंथेटिक, जो गोलियां और टेबलेट कैप्सूल्स आते हैं, ये दिल्ली, आगरा, वहाँ से आते हैं। इसलिए 7-8 महीने के अंदर हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर ज़िले में भी इनके खिलाफ बड़े स्तर से कार्रवाइयाँ हुई हैं। अभी पिछले 7-8 दिनों के अंदर ही 4-5 बड़े तस्कर पकड़े गए हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में वो तस्कर जो छोटी गाड़ियों के अंदर आगे पंजाब और हरियाणा के ज़िले हैं वहाँ पे नशा सप्लाई करते हैं, उन पर हमारी निगाह है, नज़र है। उसके बारे में भी जो आईजी साहिबा ने बठिंडा वाले और हिसार वाले, इन सब लोगों की बात हुई है कि ये भी हमें इनपुट्स दें, शेयर करें हम लोगों से कि इनके एरिया के कौन तस्कर आके राजस्थान से नशा खरीद के लेके जाते हैं, राजस्थान के कौन तस्कर हैं जो आके नशा बेच के जाते हैं, उस पर हम लोग जॉइंट एक्शन लेके और इनपुट जनरेट करके उनको पकड़ने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में पिछले तीनों डिस्ट्रिक्ट में 5-6 महीने में खूब अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं। जिस तरह से नशे का रूट है वो राजस्थान की तरफ से पंजाब की तरफ है, उसी तरह से शराब का रूट है वो हरियाणा और पंजाब से राजस्थान की तरफ है, जो आगे गुजरात जाती है। तो उसके अंदर भी हम लोगों ने इसी तरह की स्ट्रेटेजी डिवाइस करने का एक एफर्ट किया है, और उसके बारे में हम लोगों ने यह तय किया है कि हम एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करके उनको पकड़ने का। कितने गंभीर मामला मानते हो, जैसे नशा सप्लाई हो रहा है, जैसे आप बता रहे हैं नशा पंजाब में जा रहा है, पंजाब से इधर आ रहा है और इलाकों में जा रहा है। मैं मानता हूं कि ये जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के, इसमें ये नंबर वन प्रॉब्लम है। दूसरी बड़ी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो कही जा सकती है, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के गैंग हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं और वो संगीन अपराध करते हैं। ये दोनों बराबर की प्रॉब्लम है और ये पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज, पंजाब तीनों स्टेट की पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। पंजाब पुलिस से कैसा सहयोग मिल रहा है? पंजाब पुलिस से हम लोगों का ऑर्गेनाइज क्राइम फ्रंट पर अच्छा सहयोग है। नशे की पकड़ पकड़ के अंदर सहयोग की और थोड़ी सी गुंजाइश है कि हमारे पास पंजाब से इन्फॉर्मेशन जनरेट हो आए और हम लोग भी पंजाब पुलिस को और इन्फॉर्मेशन शेयर करके और संयुक्त कार्रवाई करें। लोकसभा चुनाव के लिए क्या चीज़ें? लोकसभा चुनाव के लिए बहुत अच्छी तैयारी है। इंटरस्टेट बॉर्डर्स के जो नाके हैं वो पहले से वेल आइडेंटिफाइड हुए, राजस्थान में भी थोड़े दिनों पहले इलेक्शन हुए हैं, हमारे SSP साहिबान ने इनसे पहले बात करके और नाके वगैरह लगवाए थे, उसमें पंजाब और हरियाणा के SSP साहिबान ने हेल्प की थी। तो हम लोगों को उन पॉइंट्स के बारे में अच्छी तरह से जान पहचान है, जानकारी है, और अब मिलकर एक साथ काम करना है क्योंकि इलेक्शन भी डिफरेंट फेजेज में है। तो मैं मानता हूँ कि हम तीनों स्टेट मिलकर और जो इंटरस्टेट बॉर्डर है उसको पूरी तरह से सील करेंगे, अच्छी कार्रवाई करेंगे। जैसे आईजी बठिंडा रेंज ने आपको बताया है, हमारी अच्छी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई है, मीनिंगफुल डिस्कशन हुई है, हमारी कोऑर्डिनेशन पहले भी बहुत अच्छी है और डेफिनेटली आज की मीटिंग में जो फील्ड ऑफिसर्स भी साथ हैं, डिस्ट्रिक्ट के SPs साथ हैं, उनके कॉन्टैक्ट से हमारी कोऑर्डिनेशन और अच्छी होएगी। अभी रिसेंटली ऐसे हम डिस्कस कर रहे थे, सरसा में इनकाउंटर हुआ था एक क्रिमिनल का अभी रिसेंट, और पंजाब का नोटोरियस गैंगस्टर था, और इसी तरीके से इंफॉर्मेशन हमारी जो इफ़ेक्टिव और टाइमली इंफॉर्मेशन शेयरिंग से क्रिमिनल्स जो हैं वो प्रेशर में आएंगे और हमारा स्मूथली लॉ एंड ऑर्डर। नंबर ऑफ क्रिमिनल्स कितने हैं जो इंटरेस्टेड अभी काम कर रहे हैं? मतलब वेरी करता रहता है नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग गैंग्स। हमने ये दिस इज अ मैकेनिज्म जो हम इवॉल्व कर रहे हैं, जो डिस्कशन की है कि अपना जो इफेक्टिव एंड टाइमली कैसे रहे जो शेयरिंग है इंफॉर्मेशन की, और इसको हाउ वी कैन इंप्रूव इट। लीकर स्मगलिंग का सबसे बड़ा एक नेटवर्क जो है एक्टिव हो गया पंजाब और हरियाणा से, थोड़े सवाल बात कर लेंगे, मत कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना है इसके बारे में? हाँ, सो वही हमने अपना जो मैकेनिज्म जो कैसे इवॉल्व करना है और कैसे एक दूसरे पे जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उस पे फीडबैक कैसे हमने शेयर करनी है, ताकि ये यहीं तक मीटिंग सीमित ना रह के थाने तक हमारा एक्शन कोऑर्डिनेटेड हो, उसका फ्रेमवर्क हमने डिस्कस किया। हो गया जी, हो ना, चलो।
तपन शर्मा के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट बठिंडा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।